दोस्तों शाहरुख खान की कोई मूवी आए और कोई रिकॉर्ड ना टूटे या फिर कोई नया रिकॉर्ड ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक खास बात और भाई, जो शाहरुख खान के रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को खुद शाहरुख खान ही तोड़ते हैं, कोई और स्टार नहीं तोड़ पाता। तोड़ना तो छोड़ो दोस्तों, उसके आसपास भी नहीं होता कोई और स्टार। तो ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों शाहरुख खान की आने वाली मूवी जवान के साथ। आपने इंटरनेट पर खूब शोर शराबा सुना होगा कि भाई जवान ने ये रिकॉर्ड बना दिया, इतने टिकट्स बेच दिए, एडवांस बुकिंग से इतना पैसा कमा लिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल साफ और सच्ची बातें बताता हूँ कि जवान के साथ एडवांस बुकिंग के मामले में क्या हुआ है। तो अब सुनते जाओ भाई। वैसे तो इस साल या फिर आप कह सकते हो कि कोरोना के बाद में अगर इंडियन सिनेमा को किसी ने संभाला है तो दोस्तों वो शाहरुख खान ही हैं। शाहरुख खान खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और उनको खुद ही तोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ दोस्तों इस बार उन्होंने किया जवान मूवी, जो उनकी 7 सितंबर को रिलीज होगी, उसकी एडवांस बुकिंग 1 सितंबर को लगभग 10 बजे खोल दी गई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जवान की एडवांस बुकिंग खुली 10 बजे और जवान ने लगभग 1 या फिर 1.5 बजे बेच दिए थे अपने 80,000 टिकट्स। 80,000 टिकट्स बेचना, वो भी सिर्फ 4 घंटे में, ये दोस्तों अपने आप में एक रिकॉर्ड है इंडियन सिनेमा में। आज तक बॉलीवुड के किसी स्टार ने अपनी मूवी के एडवांस बुकिंग में एक दिन में इतने टिकट्स नहीं बेचे जितने दोस्तों शाहरुख खान ने सिर्फ 4 घंटे में बेच दिए। तो पहला रिकॉर्ड तो जवान के साथ शाहरुख खान ने यही सेट कर दिया कि 80,000 टिकट सिर्फ 4 घंटे में बेचे गए। अब दूसरा रिकॉर्ड सुनो दोस्तों, शाहरुख खान की ही एक मूवी थी पठान, जो कि इस साल की स्टार्टिंग में आई थी। उस मूवी ने अपने एक दिन में मतलब 24 घंटे में एडवांस बुकिंग में 1,17,000 टिकट्स बेचे थे। उस वक्त लग रहा था कि यार ये रिकॉर्ड तो शायद ही कोई तोड़ पाए, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि एडवांस बुकिंग में बिक रहे टिकट्स। अब कोई और तो इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता, लेकिन शाहरुख खान के लिए ये रिकॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों, जवान ने पठान का रिकॉर्ड सिर्फ 8 घंटे में तोड़ दिया, जहां पठान ने अपने 24 घंटे में एडवांस बुकिंग में 1,17,000 टिकट्स बेचे थे, लेकिन जवान ने 1,27,000 टिकट सिर्फ 8 घंटे में बेच दिए। आप थोड़ा सोचो, 24 घंटे में पठान ने 1,17,000 और जवान ने सिर्फ 8 घंटे में 1,27,000, मतलब पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी 10,000 टिकट ज्यादा बेचकर, और वो भी सिर्फ 8 घंटे में। दोस्तों ये होता है स्टारडम। भाई साहब, लोगों के बीच में इस मूवी को लेकर इतना तगड़ा क्रेज है कि मुंबई के कई थिएटर्स में इस मूवी के सुबह 5 बजे के शो रखे गए और वो सारे शो पहले ही दिन हाउसफुल हो गए, और कई शहरों के ज्यादातर थिएटर्स का यही हाल है। और भाई इसी क्रेज को देखकर मूवी के टिकट्स की प्राइस भी दोस्तों बढ़ा दी है। मैंने इसके पहले ही दिन 580 के 2 टिकट बुक कर लिए थे, लेकिन गाइस मेरे दोस्त ने उसी मूवी के 2 टिकट्स अब 660 में बुक करे हैं। तो लगभग भाई आप कह सकते हो कि 100 रुपए के आसपास टिकट के पैसे बढ़ चुके हैं। अब बात करें कि अब तक एडवांस बुकिंग में जवान ने कितने कमा लिए हैं। तो भाई 5 सितंबर सुबह 9 बजे तक की बात बता रहा हूं आपको, जवान ने 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक लगभग 5,00,000 टिकट्स बेच दिए हैं, जो कि भाई अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस टिकट से जो कमाई हुई है गौरी खान को, जो कि इस मूवी की प्रोड्यूसर हैं, तो सिर्फ 5 दिनों में जवान ने सिर्फ इंडिया में एडवांस बुकिंग से 16 करोड़ के आसपास रुपए कमा लिए हैं। मतलब गौरी खान के खाते में लगभग 16 करोड़ सिर्फ एडवांस बुकिंग से आ गए हैं 5 तारीख तक। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई जवान मूवी अपने पहले ही दिन 120 या फिर 125 करोड़ की ओपनिंग करके देगी। और ये बात तो यार क्रेज देखकर बच्चा बच्चा कह देगा कि यार इतनी ओपनिंग तो इसकी बनती है। पहले दिन अगर मान लो ये 150 करोड़ भी कमा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भाई जवान के लिए, क्योंकि एक तो शाहरुख खान का स्टारडम, उसके बाद में दोस्तों एक से एक टैलेंटेड बंदे हैं मूवी में। चाहे आप विजय सेतुपति ले लो, नयनतारा ले लो, खुद शाहरुख खान ले लो, और भैया म्यूजिशियन अनिरुद्ध ले लो, सभी एक से बढ़कर एक हैं जिन्होंने इस मूवी में काम किया है। तो 150 करोड़ मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भाई मूवी में दम है। बाकी आप बताओ कि आपका क्या कहना है, मूवी देखने जाने वाले हो या फिर नहीं। और यार वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मूवी रिव्यूज के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।